हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिग बैश लीग T20 के चैलेंजर मुकाबले की, जो खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 6 फरवरी को दोपहर के 2:10 पर। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी ESPN और सोनी लिव ऐप के ऊपर। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी पहुंचेगी फाइनल के अंदर, जो भी मुकाबला हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगर मैं MCG की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं, पिछले मैच में देखा था कि यहाँ पे बैटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा स्लो ट्रैक है ये वाला, बॉल काफी रुक रुक के बैट के ऊपर आता है, शॉट मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि इस मैच में थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है पिच के ऊपर, फिर भी इस पिच के ऊपर बैटिंग करना मुश्किल होगा और स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा हो सकता है इस ट्रैक के ऊपर। जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी इस मैच के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेलबर्न स्टार्स की टीम के बारे में। मेलबर्न स्टार्स की टीम पहला क्वालिफायर मुकाबला हार गई, लेकिन टॉप टू में फिनिश करने को फायदा मिला, इस वजह से उनको एक दूसरा चांस मिलने वाला और यहाँ पे जरूर से टीम अपने होम ग्राउंड के आगे ये मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश जरूर से करेगा। मार्कस टॉइनिस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है, पर इस मैच के अंदर खुद को प्रूव करना पड़ेगा। वो टीम के और पूरे सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर है, तो उनसे उम्मीद होगी एक बड़ी पारी खेलेंगे वो इस मैच के अंदर। इस ट्रैक के ऊपर एडम जैम्पा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एडम जैम्पा ने इस ट्रैक पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी दिखाई, तो वापस एडम जैम्पा इस ट्रैक के ऊपर एक और जबरदस्त बॉलिंग करने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेंगे। हारिस रॉफ के ऊपर भी सकी निगाह रहने वाली है। हारिस रॉफ ने पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी बॉलिंग करी, वापस इस ट्रैक के ऊपर वो अच्छे विकेट निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कप्तान ग्लेन मैक्सवेल को भी अच्छा खेलने की पूरी पूरी जरूरत है। ग्लेन मैक्सवेल एक काफी जबरदस्त प्लेयर, पर इस मैच के अंदर अच्छा खेलना पड़ेगा, एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से भी। पीटर हैंड्सकॉम भी नंबर 4 के ऊपर एक काफी अच्छे प्लेयर हैं। पीटर हैंड्सकॉम एक काफी टेक्निकल प्लेयर है, इस ट्रैक के ऊपर उनको अच्छी टेक्निक से खेलना पड़ेगा। पीटर हैंड्सकॉम के पास सारी टेक्निक जो इस ग्राउंड के ऊपर अच्छा खेलने में हेल्प कर सकती है। क्लिंट हिंचक्लिफ भी काफी जबरदस्त स्पिनर है और इस ट्रैक के उनको हेल्प भी मिलेगा। क्लिंट हिंचक्लिफ से उम्मीद करेगी वो अच्छे विकेट निकाल के देंगे टीम को। उसके अलावा बात करता हूं तो निक मेडिसन को भी अच्छी ओपनिंग करके देनी पड़ेगी टीम को। तो मेलबर्न स्टार्स की टीम ने टॉप ऑफ द टेबल खत्म किया था, इस वजह से टीम को एक और मौका मिल रहा है, पर टीम का फॉर्म कुछ खास चल रही ना, पिछले टीम लगातार काफी मुकाबले हार चुकी है, टीम को विनिंग मोमेंटम पाना पड़ेगा। वो ये मुकाबला हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, जरूर स्टार ऐसा होने देना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अगर मैं टीम न्यूज के बारे में बात करूं, लगता है टीम को चेंज करेगा, टीम वही टीम खेलेगा जो कि लास्ट मैच जो खेली थी। टीम के लिए ओपनिंग करेंगे मार्कस टॉनिस और निक मेडिसन। नंबर 3 के ऊपर आपके आते हैं निक लार्किन, नंबर 4 पे पीटर हैंड्सकॉम, नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पे सेफ गॉज, फिर नेथन कुल्टन नाइल, किंट हिंचक्लिफ, एडम जैम्पा, डेनियल वॉरर और हारिस रॉफ। तो ये टीम होती है मेलबर्न स्टार्स की और मेलबर्न स्टार्स की टीम ये मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा। अब मैं बात करता हूं सिडनी थंडर्स की टीम के बारे में। थंडर्स की टीम ने एलिमिनेटर मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स को हराया, फिर टीम ने नॉकआउट मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स को हराया और इस वजह से टीम यहां पे पहुंच चुकी है चैलेंजर मुकाबले के अंदर। ये टीम बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में लग रही है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एक प्लेयर को, जो कि है एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स टूर्नामेंट की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं कर रही थी, पर पिछले 6-7 मैचों से वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, टूर्नामेंट के अभी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। एलेक्स हेल्स हर मैच में बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रही है, वापस इस मैच के अंदर भी एलेक्स हेल्स बहुत अच्छी बैटिंग करने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेंगे। डेनियल सैम्स हर मैच में बहुत ही जबरदस्त विकेट निकाल के दे रहे हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकिंग का रिकॉर्ड बना दिया और वापस से इस मैच के अंदर ही विकेट निकालना चाहेंगे। डेनियल सैम्स ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई है। क्रिस मॉरिस भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं, क्रिस मॉरिस को भी काफी अच्छे विकेट मिल रहे हैं और काफी जबरदस्त बैटिंग भी कर रहे हैं। क्रिस मॉरिस और डेनियल सैम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्वाड का। पिछले 2-3 मैचों से जोनाथन कुक ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करी है। जोनाथन कुक एक काफी कमाल की स्पिन बॉलर है और जरूर से इस ट्रैक के ऊपर उनको हेल्प मिलेगा। वापस जोनाथन कुक एक अच्छी बॉलिंग करके दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए। तो वापस ये 4 प्लेयर्स के ऊपर थंडर की मेन उम्मीदें रहने वाली है। उस्मान खवाजा ने एलिमिनेटर में काफी अच्छी बैटिंग करके बताई थी और इस मैच के अंदर भी वो काफी टेक्निकल प्लेयर, वापस उनसे उम्मीद होगी वो एक अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर भी टीम को। उस्मान खवाजा एक काफी अच्छे टेक्निकल प्लेयर है। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो एलेक्स रॉस भी नंबर 4 के ऊपर एक काफी अच्छे बैट्समैन है। एलेक्स रॉस को भी अगर मौका मिलेगा तो जरूर से अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं इस मैच के अंदर भी। तो थंडर की टीम काफी अच्छे फॉर्म में लग रही है, इस टीम की बैटिंग भी काफी अच्छी लग रही है, इस टीम की बॉलिंग भी काफी अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से वापस से थंडर की टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगा और फाइनल में जरूर से पहुंचने की कोशिश करना चाहेगा।
अगर मैं थंडर की टीम न्यूज के बारे में बात करता हूँ, इस मैच के अंदर आपको मैट गिल्स विकेट कीपर दिखेंगे, वो रिप्लेस करेंगे जे लैंटन को, वरना वही टीम होगी जो कि लास्ट मैच खेली थी। तो टीम के लिए ओपनिंग करेंगे एलेक्स हेल्स और उस्मान खवाजा, नंबर तीन पे कैलम फर्ग्यूसन, नंबर चार पे एलेक्स रॉस, नंबर पांच पे मैट गिल्स, नंबर छह पे डेनियल सैम्स, नंबर सात पे अर्जुन नायर, फिर क्रिस मॉरिस, क्रिस ट्रमेन, ब्रेंडन डॉगेट और जोनाथन कुक। तो ये टीम होगी सीन थंडर्स की, और थंडर की टीम भी ये मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश जाएगी। आप मुझे पोल में बताना मैच कौन जीतेगा, मेलबर्न स्टार्स की मुकाबला जीते जाएगी फाइनल के अंदर या फिर वो टीम होगी सीन थंडर्स की टीम, आप जरूर से बताना मुझे पोल के अंदर। इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम आने वाली है कुछ दिन के ऊपर। काफी ऐसा मुकाबला होने की पूरी पूरी उम्मीद है। मेलबर्न स्टार्स की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, पर फिर भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये टीम अच्छा खेल सकती है। थंडर की टीम भी काफी अच्छे फॉर्म में लग रही है, जरूर से ये मुकाबला जीतना चाहेगी वो। तो ये काफी अच्छा मुकाबला होने की, मुझे जरूर से मजा आएगा इस मैच को देखने में। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो का पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर से करना सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।